विराजन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है ख्वाजा साद रफीक साहब की, आइए वो देखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में सिर्फ 5-6 मिनट रह जाएंगे और सबसे इस क्लिप के हवाले से मैं रिमार्क्स दूंगी। आइए सबसे पहले ये क्लिप देख रहे हैं। मुतमईन होना ही नहीं, जो मर्जी कर खून पिला दो, मुतमईन नहीं होना की करिए। खून भी पिलाया ना मेरे खानदान ने, तो खून भी दिया यार, खून दे के यहाँ खड़े हैं ना, फ्री में तो खड़े भी नहीं है। वालिद ने जान दी, वालदा की जान गई, सारी जवानी लगाई, फिजिकल टॉर्चर, सारे जिस्म काले करवाए, 12-14 बार जेल काटी, किसी आमरियत से हाथ नहीं मिलाया बशमूल ज़िया आमरियत के। एक मरे हुए महकमे को मेरी पार्टी की हुकूमत में, बाकी महकमे जो हैं उन्होंने क्यों नहीं इस तरीके से तरक्की की, PIA भी था, स्टील मिल भी थी, रेलवे खड़ी हो गई, निजकारी से बचाया, ईमानदारी से काम किया, तो उसका सिला मिल रहा है। बहरहाल मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरा ख़ानदान भी देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं। लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मज़ीद इसको जारी रखना चाहिए कि नहीं। मैं जब ये बातें करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं आप डिसहार्ट क्यों होते हैं। यार हम इंसान नहीं हैं, आप डिसहार्ट क्यों होते हैं? तो ख्वाजा साहब ने कहा कि हम इंसान नहीं हैं, हम भी डिसहार्ट होते हैं। उन्होंने एक और बड़ा पॉइंट ये कहा कि मेरे बच्चे भी देखते हैं। शेख साहब इस क्लिप के हवाले से रिमार्क्स दीजिए। अच्छा इमोशनल टच था, मतलब लोगों को जो चीज़ वो समझाना चाह रहे थे अपने मकसद से, ठीक कह रहे हैं। इनके वालिद साहब वाकई एक ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे पता है उनका किस जगह पे एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था, उन्होंने उसके बाद भुट्टो साहब की मुखालफत जारी रखी, उसके बाद उनका मर्डर हुआ ये असम्बली के साथ पड़ी सड़क पे। बात ये है, मैं मानता हूँ ये सारा कुछ, मैं ख्वाजा साहब को बड़े बरसा बरस से जानता हूँ, जब ये स्टूडेंट थे सारा कुछ थे, मेरे छोटे भाई और ये इकट्ठे काम करते रहे सारा MSF में। बात यह है कि उसके बाद जो इनका सफर इनकी अपनी सियासत के साथ शुरू हुआ है ना, वो इनकी उस रफ्तार से मैच नहीं करता। इन्होंने अपने वालिद का खून अच्छा बेच दिया। देखिए मैं यहाँ इस नतीजे पे जरूर पहुंची हूँ कि जो कंटेनर की इल्जामात की सियासत पाकिस्तान में रवाज डाल दिया गया है, वो उसको इतनी तवालत बख्श दी गई है कि किसी के पास कोई सबूत हो ना हो, इल्जाम पहले लगा दो, पहले जनाब आप उसको अरेस्ट कर लो उसकी इनको, हालांकि दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता, आप इंक्वायरी बाद में करेंगे, आप उसका नतीजे पे बाद में पहुंचेंगे, लेकिन पहले आप अरेस्ट करेंगे, रेफरेंस भी दायर नहीं करेंगे सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर। ये जो पाकिस्तान में रवाज चल पड़ा ना इल्जामात की सियासत करना, और अभी आप जैसे भी इससे पहले आपने हमजा साहब की बात की है, तो ये बात मैं अजहर साहब से बिल्कुल माजत के साथ कहती हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं तो लफ्जों का चुनाव जरा एहतियात से किया करें कि किसी की दिल आजारी भी होती है। रात के अंधेरे में भाग जाना, आप लोग भी तो करप्ट हैं, आप भी करप्ट को कर रहे हैं, आप भी मुल्क को बेच रहे हैं, आप उनकी तरक्की का रोक रहे हैं, आप करप्ट कर लोग हैं, आप जवाब दें अपनी इस बात का। आप मलिक नदीम साहब से बहुत आम सवाल पूछूंगी, सवाल सुनने लायक है। मलिक नदीम साहब ये क्लिप देखी, इसमें जो इंसान था उसका नाम था ख्वाजा साद रफीक, और ख्वाजा साद रफीक वो इंसान है, वो शख्स है जिसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती थी, जिसको पाकिस्तान ने तरीके इंसाफ चाहती थी कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। ख्वाजा साद रफीक साहब को आपकी पार्टी ने दावत दी थी, अगर वो करप्ट थे तो आपकी पार्टी ने उनको दावत क्यों दी? ये आप यह बहुत पुरानी बात कर रही हैं, लेकिन जितने संजीदा आज वो बयान दे रहे हैं मुल्क को लूट के और लूट सूट करके, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ जितनी संजीदगी से गवर्नमेंट इस वक्त एहतसाब का अमल शुरू किए बैठी है, ये कभी बच नहीं सकेंगे। हम संजीदा है, ये करप्शन के लोग करप्शन कर कर के रेलवे के हवाले से फ्रांसी गवर्नमेंट जो है वो कहते थे मैंने पता नहीं क्या कर दी है, रेलवे इंजन में करप्शन, अभी फ्रांसी गवर्नमेंट आ गया, अगला रेफरेंस वो भी आ रहा है, वो जिस रेलवे के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे उन्होंने जितना लोगों को नवाजा रहे थे, सारा कुछ सामने आ जाएगा, फ्रांसी गवर्नमेंट आ चुका है और ये कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया, बात है। लास्ट सवाल,
मौजूद है, शोर डाल के मसला नहीं हल होगा। नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की गई है कि हो क्या रहा है, और ज़िमनी इलेक्शन आज से 2 दिन बाद है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या मोड इख्तियार करेगी। आज के प्रोग्राम में तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शिरकत के लिए। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।